नमस्कार, मैं प्रिया। आज 11 अक्टूबर खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार से नई दिल्ली के लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन। पर्यटकों के लिए बिहार सरकार देने जा रही है बड़ी सुविधा। गंगा घाट दिखेगा और भी शानदार। संसदीय कमेटियों में हुआ फेरबदल। चरणदास ने तेजस्वी यादव को दिया आखिरी मौका। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में 13,817 कर्मियों की बहाली की जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। बिहार में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में 13,817 कर्मियों की बहाली करने की योजना बिहार सरकार बना रही है। इसको लेकर जल्द ही प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में 13,817 कर्मियों के पद खाली हैं। इतनी तादाद में पदों के खाली रहने से शैक्षणिक व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। इसको देखते हुए सरकार ने खाली पदों पर किसी आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली करने का फैसला लिया है। ज्ञात हो, पटना विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी के कर्मियों के 834, मगध विश्वविद्यालय में 1788, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 863, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 1191, जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 952, BRA विश्वविद्यालय में 1543, तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 1084, BN मंडल में 1216, LN मिश्र मिथिला विश्वविद्यालय में 1336, कामेश्वर सिंह संस्कृत दरभंगा विश्वविद्यालय में 1210, पूर्णिया विश्वविद्यालय में 887 और मुंगेर विश्वविद्यालय में 913 पद खाली है। बिहार से नई दिल्ली के लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन। बिहार से नई दिल्ली के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन जल्द ही होने वाला है, जो कि सप्ताह में 2 दिन चलाई जाएगी। पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ी भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बरौनी, सहरसा और जयनगर स्टेशन के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने का निर्णय लिया है। इन स्पेशल ट्रेनों में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे, जिसके तहत ही आनंद विहार मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन चलाई जाएगी। वहीं आनंद विहार मुजफ्फरपुर फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस 11 अक्टूबर से 17 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार और बुधवार, मुजफ्फरपुर आनंद विहार फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार, नई दिल्ली दरभंगा फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, नई दिल्ली बरौनी सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल सहरसा आनंद विहार टर्मिनल फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस का परिचालन होगा। पटना मेट्रो में नौकरी का सुनहरा मौका। अगर आप भी पटना मेट्रो में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर कुछ खास है। पटना मेट्रो की तरफ से तकनीकी पदों पर 3 वर्षों के लिए अफसरों की प्रतिनियुक्ति करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के अफसरों से नियोजन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। फिलहाल 5 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें GM क्वालिटी कंट्रोल, GM प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, GM ट्रैक, GM वर्क्स और सहायक मैनेजर वित्त शामिल है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नगर विकास एवं आवास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद योग्यता एवं अनुभव के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 23 अक्टूबर को बुलाया जाएगा। इसके साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ ही अन्य जानकारियों के लिए आप state.bihar.gov.in या फिर nagarseva.bihar.gov.in पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे राजेश कुमार की। राजेश कुमार का जन्म 20 जनवरी 1975 को आज ही के दिन हुआ था। राजेश एक भारतीय अभिनेता और निर्माता हैं, जिन्हें बा बहू और बेबी और सारा भाई बनाम सारा भाई जैसे भारतीय टेलीविजन शो में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। राजेश हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। वो अंतिम थे नेटफ्लिक्स सीरीज कोटा फैक्ट्री season 2 में गगन रस्तोगी की भूमिका में नजर आए थे। राजेश कुछ अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं और इसके साथ ही उनका पुश्तैनी घर बिहार के गया जिले में है। नवरात्र पर बाजार में लौटी रौनक। COVID-19 के कारण बाजार काफी ज्यादा सुनसान नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही पर्व त्योहार का सिलसिला शुरू हुआ बाजारों में भी रौनक लौट आई है। नवरात्र के मौके पर बाजार में एक बार फिर से लोगों की चहलकदमी बढ़ गई है, जिससे मार्केट से कारोबारी उत्साहित है। कोरोना महामारी को भूलकर लोग बुकिंग और खरीदारी के लिए शोरूम में पहुंचने लगे हैं। अगले महीने 22 नवंबर से लगन सीजन भी शुरू होने वाला है। इसकी मार्केटिंग भी लोगों ने शुरू कर दी है, जिसके बाद 900 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने की संभावना जताई गई है। इसको लेकर बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष PK अग्रवाल ने बताया कि मार्केट में पैसा कम है, लेकिन अच्छी खरीदारी की उम्मीद की जा रही है।
आईआईटी पटना के शोध से संभावित तीसरी लहर की स्थिति में मिलेगी काफी मदद। बिहार समेत पूरे देश में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को लेकर काफी चिंता जताई गई है। हालांकि बिहार को इसी बीच थोड़ी राहत की खबर जरूर मिली है, जिसके तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग ने एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर की खासियत यह है, इससे मरीजों की एक्सरे फिल्म से पता चल सकेगा कि मरीजों को कोरोना है या निमोनिया। सबसे खास बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर बनाए गए इस सॉफ्टवेयर में पहले एक्सरे डेटा का मिलान किया जाता है। इससे यह बात सामने आती है कि मरीज को किस तरह का संक्रमण है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस शोध को एल्जेवियर के बायोसिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल जर्नल में प्रकाशित भी किया जा चुका है। बिहार से भी शुरू हुई मॉनसून की वापसी। बिहार से मॉनसून की वापसी की शुरुआत हो गई है। हालांकि किसानों के लिए मौसम विभाग ने खास अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत कई इलाकों में आने वाले 5 दिनों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मॉनसून की वापसी के बारे में जानकारी देते हुए IMD ने बताया कि ये गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्से, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शेष हिस्से, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्से से वापसी कर गया है। मॉनसून की वापसी रेखा मोतिहारी, गया, डाल्टनगंज, अंबिकापुर, मंडला, इंदौर, गांधीनगर, राजकोट और पोरबंदर से होकर गुजर रही है। पर्यटकों के लिए बिहार सरकार देने जा रही है बड़ी सुविधा। बिहार में पर्यटन की असीम संभावना है, यही कारण है कि बिहार सरकार राज्य को पर्यटन के हिसाब से विकसित करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने बिहार आने वाले पर्यटकों के लिए घूमना फिरना और ज्यादा आसान करने का रास्ता निकाला है, जिसके तहत पर्यटन विभाग जल्द ही अपनी वेबसाइट अपडेट करने जा रहा है, जिससे कि पर्यटकों को बिहार आने से पहले ही यहां के पर्यटन केंद्रों की छोटी छोटी झलक वेबसाइट पर दिख जाएगी। इसके अलावा वहां होटल में रुकने से लेकर गाइड और गाड़ी तक की बुकिंग भी पर्यटक आसानी से ऑनलाइन कर सकेंगे। इसको लेकर पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने अफसरों को नवम्बर तक का समय दिया है और इस काम को पूरा करने का निर्देश दिया है। बिहार के 39 डिग्री कॉलेजों को 82 करोड़ रुपए अनुदान की मिली मंजूरी। बिहार के 39 डिग्री कॉलेज को अनुदान राशि जल्द ही मिलने वाली है, क्योंकि इन कॉलेजों के लिए 82 करोड़ के अनुदान की मंजूरी सरकार की तरफ से दे दी गई है। सरकारी जानकारों की माने तो अगले एक हफ्ते में यह राशि इन सभी कॉलेजों को मुहैया करवा दी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने बताया कि स्नातक शैक्षणिक सत्र 2009-12 और 2010-13 में उसके छात्र छात्राओं के श्रेणीवार परीक्षाफल के आधार पर अनुदान देने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार सरकार के नियमानुसार रिजल्ट के आधार पर डिग्री कॉलेज द्वारा अनुदान के दावे का प्रस्ताव संबंधित विश्वविद्यालय को सौंपा जाता है। संसदीय कमेटियों में हुआ फेरबदल। बीते दिन संसद की कमेटियों में फेरबदल देखने को मिला, जिसके तहत बिहार के 5 सांसदों को संसदीय कमेटियों का प्रमुख बनाया गया है। इसमें भाजपा के 4 तो जदयू के 1 सांसद शामिल है। सुशील मोदी को कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय मंत्रालय की स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। संसद की यह समिति महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि 3 महीने पहले जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था, तब जमकर चर्चा हो रही थी कि सुशील मोदी को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को ऊर्जा मंत्रालय की स्थायी समिति का अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को जल संसाधन मंत्रालय की स्थायी समिति का अध्यक्ष, राधा मोहन सिंह रेलवे मंत्रालय की स्थायी समिति और रमा देवी को सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय की स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार में बाढ़ के कारण हुआ इतने करोड़ का नुकसान। हर साल की भांति इस साल भी बिहार बाढ़ की चपेट में आया था। वहीं अब बाढ़ के कारण किसानों को और फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है, इस बात की जानकारी साझा की गई है, जिसके तहत अधिकारियों की तरफ से सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 20 जिलों में आई बाढ़ के कारण 875.27 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। इन जिलों में आई बाढ़ के कारण कुल मिलाकर 283 प्रखंडों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। कृषि विभाग की तरफ से इसको लेकर जानकारी साझा कर दी गई है और उनके अनुसार अतिवृष्टि और अक्टूबर महीने में हुई लगातार बारिश के कारण खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसका मुआवजा अब किसानों को जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें, पटना, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। राजस्व जमा नहीं करने पर 1500 मंदिरों को जारी हुआ नोटिस। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने पिछले 1 महीने में 1500 ऐसे मंदिरों को नोटिस भेजा है जिन्होंने 1 साल से अधिक समय से राजस्व नहीं दिया है। आपको बता दें कि मंदिरों को कुल राजस्व का 5% धार्मिक न्यास बोर्ड को जमा करना होता है। बोर्ड से 4508 मंदिर पंजीकृत है, उनमें से मात्र 500 ही ऐसे हैं जो हर साल राजस्व जमा करते हैं, जिनमें पटना महावीर मंदिर सबसे आगे है, जो कि अपना राजस्व नियमित रूप से जमा करता है। इसको लेकर धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष AK जैन ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि हर पंजीकृत मठ मंदिर को बोर्ड को राजस्व जमा करना अनिवार्य है। कई मठ मंदिरों के महंत नियमित रूप से राजस्व जमा नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद अब ऐसे में इन मंदिरों पर कार्रवाई होगी।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भागलपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर पूर्व में कहलगांव के पास अचिंतक गांव स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पालवंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम वर्ष या 9वीं सदी की शुरुआत में की थी। करीब 4 सदियों तक वजूद में रहने के बाद 13वीं सदी की शुरुआत में यह नष्ट हो गया था, जिसके बाद अगर आप भी कभी भागलपुर शहर जाते हैं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडर देखने जरूर जाएं। आपको यहां इतिहास से जुड़ी कई जानकारियां मिलेंगी। सोनपुर मेले पर फैसले का शुरू हुआ इंतजार। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर मेला इस साल लगेगा या नहीं, इस बात को लेकर संशय की स्थिति बरकरार है। कोविड 19 के कारण पिछले 2 सालों से इस मेले का दर्शन आम लोगों को नहीं हुआ है, लेकिन इस बार जैसा कि मामले कम हो रहे हैं ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इस मेले का आयोजन हो सकता है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय सरकार ही लेगी। इसको लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता सह अधिवक्ता ओम कुमार सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर इस साल सोनपुर मेले के आयोजन करने का अनुरोध किया है। जारी किए गए पत्र में उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधता का केंद्र सोनपुर मेले का आयोजन पिछले साल भी नहीं हुआ था, इस बार स्थितियां सामान्य बनी हुई हैं तो मेले का आयोजन होना ही चाहिए। देखने के लिए सैलानियों को मिलेगा 3 दिवसीय पैकेज। अगर आप भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का दर्शन करना चाहते हैं तो 22 अक्टूबर से इको टूरिज्म पैकेज की शुरुआत बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है। इसको लेकर 3 तरह के पैकेज की शुरुआत की जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। पैकेज के तहत अब सैलानियों को वाल्मीकि नगर में 2 रात और 3 दिन रहने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही पटना से प्रत्येक शुक्रवार को 2 बजे ये खुलेगी और 1 पटना मुंगहराह पटना भाया वैशाली जाएगी तो 3 दिवसीय होगी। इसके लिए शुक्रवार शनिवार रविवार का समय निर्धारित किया गया है। दूसरा पटना वाल्मीकि नगर पटना भाया वैशाली 3 दिवसीय चलेगी, जो कि शुक्रवार शनिवार और रविवार को होगी। इसके लिए सैलानियों को 4500 रुपए प्रति पर्यटक देना होगा। इसके अलावा 1 दिवसीय पैकेज बेतिया वाल्मीकि नगर और मुंगराहा के लिए भी एक विशेष पैकेज निकाला गया है, जिसके लिए प्रत्येक पर्यटक को 1200 रुपए देने होंगे। जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार बिहार में तैयारियां जारी है। इसी बीच बाकी दलों की तरह जदयू ने भी बीते दिन स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें सीएम नीतीश के साथ साथ 20 नामों को शामिल किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जारी किए गए इस लिस्ट में स्टार प्रचारकों की सूची में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, उमेश सिंह कुशवाहा, विजय कुमार चौधरी, रामनाथ ठाकुर, अशोक कुमार चौधरी, संजय कुमार झा को शामिल किया गया है। इसके अलावा मोहम्मद अली, अशरफ फातमी, लेसी सिंह, महेश्वर हजारी, मदन सहनी, सुनील कुमार, जयंत राज, पिंटू नरेंद्र, नारायण यादव, विद्यासागर निषाद, देवेश चंद्र ठाकुर और रत्नेश सदा को शामिल किया गया है। बिहार में मिले कोविड 19 के 10 से कम मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 9 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 34 पर पहुंच गई है। उसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो बेगूसराय में 5, मधेपुरा में 1, मुजफ्फरपुर में 1, पटना में 1, वैशाली में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वेस्ट चंपारण में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 126,693 सैंपल की जांच की गई, वहीं 5 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। चौके से चेन्नई ने दिल्ली को 4 विकेट से हरा फाइनल में ली एंट्री। चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर से फाइनल में पहुंच गई है। आखिरी ओवर में जाकर मैच फंस गया था, तब एमएस धोनी की इस पारी ने कमाल कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 173 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे सीएसके ने आखिरी ओवर में पार कर लिया। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मैच के आखिरी ओवर में धमाकेदार पारी खेलकर अपनी टीम को आईपीएल 2021 के फाइनल में पहुंचा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को मात दी है और एक बार फिर खिताब जीतने के करीब पहुंच गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी ओवर में ज्यादा रन चाहिए थे, तब एमएस धोनी क्रीज पर आए और सिर्फ 6 बॉल में 18 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बेहतरीन पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में मदद की है। गंगा घाट दिखेगा और भी शानदार। राजधानी पटना का गंगा घाट अब और भी शानदार नजर आने वाला है, क्योंकि राजधानी पटना में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए बिहार सरकार जल्द ही एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत राजधानी पटना के गंगा घाट के किनारे ग्रीन बेल्ट शैली का विकास किया जाएगा, जिसके बाद न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि राजधानी पटना के गंगा घाट भी देखने में आकर्षक लगेंगे। मिली जानकारी के अनुसार पटना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बिहार सरकार को राजधानी पटना के गंगा घाट के किनारे ग्रीन बेल्ट का विकास करने के साथ साथ बाकी सभी 11 तरह के सुझाव दिए हैं, जिस पर कि बहुत जल्द बिहार सरकार अमल करने जारी है। इसके साथ ही गंगा घाट को आकर्षित बनाने के उद्देश्य से राजधानी पटना के गंगा घाटों के किनारे पौधारोपण भी किया जाएगा। दास ने तेजस्वी को दिया आखिरी मौका।
बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पारा बिहार में चढ़ा हुआ है। यही कारण है कि जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा के साथ साथ नामांकन शांतिपूर्ण तरीके से हो गया है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में दो सीटों के लिए ही लड़ाई देखने को मिल रही है। इसी बीच सीटों के कारण उठी रार को लेकर कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरणदास ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि दो सीटों के लिए हमारे 19 विधायकों को दरकिनार कर दिया गया। वो ये भूल गए हैं कि दो सीट जीत भी गए तो वो भी सरकार नहीं बना सकते। अगर हमारे 19 विधायक उनके साथ नहीं होंगे, राजद को ये भूल भारी पड़ सकती है। इसके साथ ही तेजस्वी को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि उनके पास अब भी समय है, वो अपने फैसले पर विचार कर सकते हैं। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बिजली संकट को बताया झूठी अफवाह। बिहार समेत विभिन्न राज्यों में बिजली संकट की खबर लगातार सामने आ रही है, जिसको लेकर बिहार का सियासी पारा गर्म है। हालांकि सबके बीच जहां विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इस बात को झूठा करार दिया है। इसको लेकर बीते दिन ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान ऊर्जा मंत्री केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और कुछ अन्य विपक्षी नेता सिर्फ अफवाह फैलाकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। यह तथ्य है कि केजरीवाल ने बिजली को लेकर जो पीएम मोदी को पत्र लिखा है, ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि पीएम मोदी के पत्र प्राप्त करने से पहले ये पत्र मीडिया में जारी हो गया था। इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा है कि बिजली का कोई संकट नहीं और कोयले का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। तेज प्रताप शुरू करेंगे राजनीतिक वजूद को बचाने की कवायद। तेज प्रताप यादव कहने को भले ही राजद का हिस्सा हो, लेकिन इन दिनों पार्टी खुद ही उन्हें अलग थलग समझ रही है, जिसके बाद अब तेज प्रताप यादव खुद ही अपने वजूद को बचाने की कवायद करते नजर आने वाले हैं, जिसको लेकर जनशक्ति यात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती के मौके पर तेज प्रताप यादव जनशक्ति यात्रा निकालने वाले हैं। तेज प्रताप यादव नवनिर्मित दल छात्र जनशक्ति परिषद के बैनर तले अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पटना के गांधी मैदान से सुबह 11 बजे जेपी आवास तक पैदल यात्रा करेंगे, जिसकी जानकारी खुद तेज प्रताप यादव ने दी है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत की शांति सेना ने 1987 को श्रीलंका में ऑपरेशन पवन की शुरुआत की। यह अभियान लिट्टे का कब्जा खत्म कर जाफना को मुक्त करने के लिए छेड़ा गया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2008 को नौगांव स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर कश्मीर की घाटी से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्म 1942 में आज के दिन हुआ था। भारतीय वैज्ञानिक विजय पी भटकर का जन्म 1946 में आज के दिन हुआ था। विवेकानंद की सहयोगी तथा शिक्षिका तथा समाज सेविका सिस्टर निवेदिता का निधन 1911 में आज के दिन हुआ था। आर्यन केस पर बिहार से निकले अभिनेता शेखर सुमन को आई अपने दिवंगत बेटे की याद। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान बीते कुछ वक्त से अपने बेटे आर्यन खान के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसके बाद से लोग तरह तरह से उन्हें संतावना भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार से निकले अभिनेता शेखर ने भी अपना ट्वीट जारी किया है और लिखा है कि जब मैंने अपने बड़े बेटे आयुष को 11 साल की उम्र में खोया था, तब शाहरुख इकलौते अभिनेता थे जो पर्सनली मुझसे फिल्म सिटी में शूट के दौरान मिलने आए थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे बेटे के जाने पर दुख जताया था। मुझे यह समझकर बेहद दर्द होता है कि एक पिता के रूप में उन पर क्या गुजर रही होगी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 10 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,170 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,000 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,800 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 106.94 रुपए प्रति लीटर और डीजल 99 रुपए था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सौरजीव धनंजय, दिलीप कुमार, मुकेश उस्ताद, अरिजीत आर्य, अनुज कुमार, गौतम मांझी, सिंटू कुमार, सूरज कुमार, मनोज कुमार, रजनीश कुमार, लक्ष्मण कुमार और महेश महतो। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार चेन्नई की शानदार जीत के बाद कौन सी टीम फाइनल में चेन्नई के साथ भिड़ सकती है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।